नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SPR नेटवर्क पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति की, जिसके अंदर समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति की हम बात करेंगे। दोस्तों, समाज कल्याण विभाग की तरफ से हर वर्ष लगभग 100,000 छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है और हर वर्ष केवल 17,000 आवेदन ही इस छात्रवृत्ति के लिए आते हैं। परंतु इस बार प्रथम वर्ष के छात्रों को भी इस छात्रवृत्ति में फॉर्म भरने का मौका दिया गया था, इसलिए अब की बार 100,000 से अधिक आवेदन आए हैं। दोस्तों, इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत एक विद्यार्थी को कम से कम 5,000 रुपये देने का प्रावधान है। परंतु गत वर्ष परीक्षा नहीं होने और विद्यार्थियों को प्रमोट कर देने के कारण सरकार ने छात्रवृत्ति देने से मना कर दिया था, जिसके बाद काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ और विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने 50% यानी आधी छात्रवृत्ति देने का वादा किया था। तो दोस्तों, हम सीधे वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं आज के राजस्थान पत्रिका की कटिंग पर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति का मामला, आधी के आदेश फिर भी नहीं दी छात्रों की छात्रवृत्ति। दोस्तों, पढ़ाई के लिए आर्थिक रूप से सहायता मिलने की बाट देख रहे उच्च शिक्षा के छात्र के साथ कोरोना काल में ही सरकार मजाक कर रही है। मामला मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति का है। योजना के तहत पात्र छात्र को 5,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन कोरोना काल में प्रमोट होने के कारण पहले तो छात्रवृत्ति अटका दी गई, बाद में जब विरोध हुआ तो छात्रवृत्ति की राशि आधी कर दी गई। इतना ही नहीं, करीब 100,000 छात्रों को 2,500 रुपये छात्रवृत्ति देने के आदेश भी जारी कर दिए। आदेशों के 2 महीने बाद भी अभी तक छात्रों को राशि नहीं दी गई है। इस बार करीब 100,000 छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है। इनको करीब 25 करोड़ रुपये की राशि देनी है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने से छात्रों के सामने आगामी पढ़ाई करने के लिए आर्थिक रूप से संकट पैदा हो गया है। उच्च शिक्षा के प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति दी जाती है। दोस्तों, हर साल 17,000 करते हैं आवेदन। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए हर साल करीब 17,000 आवेदन आते हैं। विभाग की ओर से 100,000 छात्रों को छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य रखा जाता है, लेकिन इस बार प्रथम वर्ष के छात्रों से भी आवेदन लिए गए हैं। ऐसे में करीब 100,000 छात्रों ने छात्रवृत्ति मांगी है। तो दोस्तों, प्रमोट हुई है तो छात्रों का क्या कसूर? यानी दोस्तों, छात्र तो परीक्षा देने के लिए तैयार थे कोरोना काल में भी कोविड की गाइडलाइन की पालना के साथ, परंतु एक आदेश के तहत उनको प्रमोट कर दिया गया और अब बाद में अगर उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो इसमें छात्रों का क्या कसूर है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री होशियार सिंह मीणा ने बताया कि पिछले सत्र में कोरोना काल के कारण परीक्षा नहीं कराई गई, ऐसे में छात्रों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट कर दिया गया। इसमें छात्रों का क्या कसूर था? विभाग ने इसी का हवाला देकर छात्रों की छात्रवृत्ति रोक लिया। नियमानुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में 60% या इससे अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र होते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे ऐसी ही हर खबर सबसे पहले आप तक हम पहुँचाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।